दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूषण जुनेजा है और एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जिस पर हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े व्यापारी आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज मैं बात करूंगा गाय का देसी घी और गाय का दूध। पिछले 2 सालों में बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं जिसका अंदाजा लगाना उनको गिनना बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी गाय का देसी घी बेच रहा है, गाय का देसी घी। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारा फेर शब्दों का है। गाय का देसी घी और गाय का देसी दूध, मैं कहता हूं दोस्तों ये बहुत नुकसानदायक है, ये कैंसर की बीमारी पैदा कर रहा है। क्योंकि बाजार में मिलने वाला घी और दूध वो गाय का देसी घी है, देसी गाय का घी या दूध नहीं है। एक ही शब्द को आगे पीछे किया गया है। फिर दोबारा समझने की कोशिश करिए, गाय का देसी घी जो बाजार में मिल रहा है और बिल्कुल हानिकारक है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। होना ये चाहिए देसी गाय का घी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देसी गाय तो पूरे दिन में 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, एक वक्त में 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। बहुत अच्छी गाय होगी तो 4 लीटर दे देगी। बहुत अच्छी किस्म की गाय होगी जिसका खान पान लालन पालन बहुत अच्छा होगा, वो आपको 2 लीटर 3 लीटर दूध दे सकती है, 4 भी दे सकती है। अब आप सोचो और अपने दिमाग की बत्ती ये जलाओ, क्या हमारे हिंदुस्तान में इतनी गाय है? रोजाना लाखों गाय कट रही है और अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रही है, और हमारे देश की सरकारें गाय के लिए कुछ नहीं कर रही है, और बड़े बड़े व्यापारी आपको मूर्ख बना के आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं गाय का देसी घी। अब ये गाय का देसी घी कहां से आ रहा है मैं आपको समझाता हूं। हमारे देश में हर हिस्से में आपको विदेशी गाय मिलेगी जो जर्सी होती है, अमेरिकन गाय है, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये गाय नॉनवेज भी खाती हैं। ये गाय एक जगह खड़ी रहती हैं, विचरण नहीं करती हैं कहीं भी, खाया पिया इनका हजम नहीं होता, और एक वक्त में वो 40 से 50 लीटर दूध देती है। 40 से 50 लीटर दूध एक गाय दिन में 100 लीटर दूध दे देती है। ये जो गाय का जो देसी घी मिल रहा है ना, ये उसी गाय का देसी घी है। अगर मेरा चैलेंज है ये घी बेचने वालों को, वो वाकई में अगर गाय का घी बेच रहे हैं और देसी घी बेचना चाहते हैं तो अपने डब्बे पर लिखना शुरू करें देसी गाय का घी, तब आपको समझ में आएगा ये वाकई में गाय का देसी घी है या देसी गाय का घी है। हमारे हिंदुस्तान में अमेरिकन गाय ज्यादातर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में है, और आप गौर करिए और जानने की कोशिश करिए, कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा पंजाब में है। दोस्तों अमेरिकन गाय का जो भी प्रोडक्ट है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित होंगे। अब एग्जाम्पल और देता हूं, अमेरिका जैसा समझदार देश वो अपने देश की गाय का दूध इस्तेमाल क्यों नहीं करता? वो गाय का दूध निकालते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं, और वो पाउडर सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया को, और बाजार में मिलने वाले जितने दूध हैं हर आदमी उसके अंदर वो मिक्स करने की कोशिश करता है, और हो सकता है करता भी हो, 100% करता हो। आए तो एक दिन छापे पड़ते रहते हैं, आज यहां नकली दूध बरामद हुआ, आज यहां नकली खोया बरामद हुआ, यहां नकली पनीर बरामद हुआ। कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल ने भी एक वीडियो दिखाया था जो खोया मंडी के अंदर उसने देखा, हजारों टन नकली खोया बरामद होता। दिवाली पे तो बड़े से बड़े ब्रांड नकली मिठाइयां बना के बेचते हैं। दोस्तों एक सलाह और, दिवाली से 1 महीना पहले मिठाई खाना बंद कर दो, और किसी भी इंडियन फेस्टिवल पे मिठाई तो आप खाओ मत, क्योंकि उसका डिमांड मिठाई की इतनी होती है उसको पूरा करने के लिए आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो हेराफेरी करेगा। दोस्तों अगर आपने किसी रिश्तेदार के यहां किसी त्यौहार पे जा रहे हैं तो मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें, उनको फल आप दें। बाजार में मिलने वाले बहुत सारे फल हैं, उनको आप ले जाएं और फल दें, किसानों का भी कुछ फायदा होगा, और जो गरीब मजदूर रेड़ी पटरी पे फल बेच रहा है उसको भी कुछ रोजगार मिलेगा, उसको भी कुछ आमदनी मिलेगी। ये बड़े बड़े ब्रांड को और बड़ा करते जाओ, इनकी ताकत को बढ़ाते जाओ, कोई फायदा नहीं है।
आप भरोसा करके इनके पास आते, लेकिन दिवाली के आसपास, खास तौर से दिवाली के आसपास, दुनिया जहान की नकली मिठाइयां बनती है और हर साल करोड़ों रुपए की मिठाइयां, हजारों टन मिठाइयां पकड़ी जाती हैं, लेकिन ना तो ये मिठाई बेचने वाले सावधान हो रहे हैं, ना अपने आप को सुधार रहे हैं, ना आप हिंदुस्तानी सुधर रहे हैं। हम दिवाली पे अभी भी लोगों के घर मिठाई का डब्बे देते हैं दोस्तों, फूल फलों का टोकरा देना शुरू करिए, और देसी घी खरीदने से पहले आप चेक करिए ये गाय का देसी घी है या देसी गाय का घी है। ये गाय का जो देसी घी बेच रहे हैं, इनसे पूछो इतनी गाय है कहां, ये इतना दूध ला कहां से रहे, इतना घी बना कहां से रहे। हर चीज गाय का दूध बिकना शुरू हो गया है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, गाय के दूध की लस्सी, गाय के दूध की छाछ, समझ से परे है। और लाखों गाय रोज कट रही है, और देसी गाय तो हमारी दूध ही इतना देती है कि उस पर एक परिवार भी नहीं बल सकता, और 125 करोड़ की जनता को आपको घी खिला रहे। घी के ऊपर मैं अभी एक और काम कर रहा हूं, कुछ कंपनियों के मार्केट में अलग अलग प्राइसेस हैं, मैं एक वो सैंपल्स इकट्ठे कर रहा हूं, उनके प्रोडक्ट, उनके ब्रोशर्स वो इकट्ठे कर रहा हूं, कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा कि कितनी हेराफेरी कर रहे हैं, और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक प्रोडक्ट जिसका एमआरपी 400 कुछ रुपए है, वो 250 रुपए का भी बिक रहा है बाजार में, क्यों बिक रहा है? या तो वो नकली है, या वो बेची कंपनी नकली रही है, थोड़े दिन में आपको वो भी दिखाता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये बात वाकई में अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करिए, ताकि जो बाजार में बिकने वाला जहर है इसको आप खाना बंद कर दें। थैंक यू दोस्तों।